जगह वही है। हाँ ये कहा ये करते हैं काटे हैं। मेरा नाम नंदकेश्वर है, मैं रहता हूँ ग्राम जोड़हर पुनर्वास में। हाँ भाई, जब घटना होने के बाद ये भतीजा हमारे दरवाजे पहुँचे रोते गाते, फिर इसके बाद पापा पापा चिल्लाने लगे। इसके बाद हम लोग आए, इसको देखे थे, बोले पापा चाकू से मार दिए हैं मम्मी को, हमारे भाइयों को मार लगते हैं भाइयों, ठीक ना। इसके बाद उसको हम बोले कि रहने दीजिए चुपचाप। इसके बाद थाने में रिपोर्ट किया गया, थानेदार आए, उसका जाँच पड़ताल किया गया, उसको थाना लास्ट थाने में लिया। जी बीजपुर में एक हत्या का मामला प्रकाश में आया, क्या है पूरी घटना? इसमें रायपुर कॉलोनी का एक श्रीराम ने थाने पे सूचना दिया है कि हमारी माँ की किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 2:30 बजे रात की हत्या कर दी गई है, गला रेत करके हत्या हुई है, उसकी डेड बॉडी मिली है, 40 वर्ष उसकी उम्र है, उसके संबंध में मुकदमा कायम कर दिया गया है, विवेचना हो रही है। तो क्या कुछ मामला है, क्या उसका? और लड़के ने तो कुछ ये बता रहा था कि पिताजी हमारे शंखलाल जी हमेशा उसके चरित्र पर शंका करते थे, हम लोगों से भी कहते थे कि जहाँ वो जाती जरा उसको देखते रहना। अब देखिए अभी कोई विशेष चीज़ प्रकाश नहीं आया है विवेचना के दौरान सब चीज़। तो ये भैया नाम ज्ञात हुआ है? नहीं, अज्ञात थे भैया, अज्ञात थे।